नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो मंथन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैमसंग और रियलमी 8। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग और रियलमी 8 का फुल कंपैरिजन। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज हम इस पूरे वीडियो में यही जानेंगे क्या कौन सा मोबाइल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या मोबाइल के फीचर आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो ये मोबाइल मुझे मिला है मोबाइल अड्डा की तरफ से। अगर आप ये मोबाइल परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन है जहां पे आप इस मोबाइल को बहुत ही अच्छी डील में परचेज कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है मेरे पास गैलेक्सी M32 सैमसंग का और रियलमी 8। तो आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे इसका कंपैरिजन। अगर मैं इसके साइड की बात करूँ, यहाँ पे रियलमी 8 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको पूरे तरीके से क्लीन है। अगर मैं दूसरे साइड की बात करूँ, यहाँ पे आपको मिल रही है गैलेक्सी M32 और रियलमी 8 की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। इसी तरीके अगर मैं बॉटम साइड की बात करूँ, यहाँ पे इसकी लिखी हुई है प्राइस डिटेलिंग 16,999 का इसका यहाँ पे प्राइस डिटेलिंग की यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ टॉप साइड में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है 4GB 64GB का वेरिएंट है, और ये आपको जो वेरिएंट है 4GB 128GB का ये वेरिएंट है। और ये जो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर सिल्वर का कलर देखने को मिल जाता है, और रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो ये थी बॉक्स की कंप्लीट डिटेलिंग। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ, यहाँ पे आपको सैमसंग में मिलती है ब्रांडिंग सैमसंग गैलेक्सी M32 की। कैमरे की अगर मैं बात करूँ, 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। उसी जगह अगर मैं रियलमी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा 64MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जा रही है 15W का फास्ट चार्जिंग के साथ में। साथ में अगर मैं रियलमी की बात करूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैमसंग इस मामले में आगे निकल जाता है। अगर मैं दूसरी बात करूँ, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिल रही है 6.4 inches की आपको डिस्प्ले मिल रही है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। वहीं अगर मैं सैमसंग की बात करूँ, यहाँ पे भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। ये थी मोबाइल की बॉक्स की कंप्लीट डिटेलिंग। तो मैं फटाफट से चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं क्या है बॉक्स के कंटेंट। तो फटाफट से करते हैं बॉक्स को ओपन, और यहाँ मैंने बॉक्स को कर लिया है ओपन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रही है यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ Dare2 लीप देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें बात करूँ सैमसंग में, तो सैमसंग में आपको मिलता है केवल एक बेसिक सा पेपर वर्क है, तो पेपर वर्क को मैं साइड में रखता हूँ। उसी तरह मैं बात करूँ रियलमी पे, रियलमी में यहाँ पे आपको मिल जाता है केस कवर, सिम इजेक्टर पिन और कुछ बेसिक सा पेपर वर्क। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट रहा वो ये रहा, रियलमी में हमें मिलता है एक केस कवर। केस कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन समय के साथ साथ पीला पड़ जाएगा, तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। अब मैं फटाफट से देखता हूँ सैमसंग में। तो सैमसंग में यहाँ पे आपको मैं फ़ोन को कर देता हूँ साइड में, और यहाँ मुझे मिलता है 15W का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। उसी जगह अगर मैं रियलमी के फ़ोन को कर देता हूँ यहाँ पे साइड में, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डार्ट चार्जर है। प्राइस दोनों ही सेम है, लेकिन अगर मैं चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ, ये आपको जो मिलता है, ये मिलता है आपको 15W का चार्जर देखने को मिल जाता है, और ये 30W का डार्ट चार्जर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आउटपुट रेटिंग की, दोनों ही जगह यहाँ पे आपको कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ, सैमसंग में आपको मिलता है 9V 1.67A 5V 2A की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और अगर मैं रियलमी की बात करूँ, यहाँ पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है 5V 2A 5V 6A की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। तो ये थे चार्जर, चार्जर को मैं रख देता हूँ साइड में। अब मैं बात करूँ अगर केबल की, केबल की क्वालिटी मुझे दोनों हद तक अगर मैं बात करूं, अपना पर्सनल ओपिनियन है ये मेरा दोस्तों, जो रियलमी की केबल है, रियलमी की केबल की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू M32। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और मैं लेंथ की भी बात करूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रियलमी की आपको जो लेंथ है केबल की काफ़ी ज़्यादा देखने को लग रही है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग M32। और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जा रही है सेम इजेक्टर पिन। तो ये थी बॉक्स की कंप्लीट डिटेल। तो मैं फटाफट से बॉक्स को करता हूँ यहाँ पे साइड में। दोस्तों फोन को कर लिया, लेट्स से बाहर अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, तो यहाँ पे रियलमी और सैमसंग दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ,
तो यहाँ पे मुझे Realme का जो डुअल कलर फिनिश है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लॉसी फिनिश के साथ में जो यहाँ पे कलर जो सैमसंग का है वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है। अगर मैं फटाफट से करता हूँ डिज़ाइन की बात, तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है मुझे 20 मेगापिक्सल का सैमसंग में कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्च डिज़ाइन के साथ में आता है। अगर मैं Realme की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। दूसरे साइड की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही साइड मुझे डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैं दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इजीली लगा सकता हूँ। अगर मैं दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग में मुझे मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर विद पावर लॉक अनलॉक और वॉल्यूम लॉकर देखने को मिल जाता है। उसी जगह मैं रियलमी की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है वॉल्यूम लॉकर एंड पावर लॉक अनलॉक बटन। अगर मैं बॉटम की बात करूँ, यहाँ पे मुझे मिल जाता है दोनों में ही 3.5mm जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी स्लॉट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। बॉटम की अगर मैं टॉप की बात करूँ, यहाँ पे मुझे मिल जाती है सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ, दोनों में ही कैमरे की जो सेटअप है वो क्वाड कैमरा सेटअप है विद डुअल LED फ्लैश के साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मुझे कैमरा देखने को मिल जा रहा है 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जा रहा है 1.8 अपर्चर के साथ में। अगर मैं Realme की बात करूँ तो दोनों में ही सेम कैमरा लगभग लग रहा है 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ में। अगर मैं वाइड एंगल कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है और दूसरी जगह भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वाइड एंगल है दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग में है 119 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है और 123 डिग्री का जो एंगल देखने को मिल रहा है वो आपका Realme में देखने को मिल रहा है। अगर मैं माइक्रो और डेप्थ कैमरा की बात करूँ, दोनों में ही आपको 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जा रहा है। तो अगर मैं दोस्तों बात करूँ इसके हैंड्स ऑन फील की, अगर मैं बात करूँ 196 ग्राम के आसपास आपका सैमसंग का वेट है। अगर मैं Realme की बात करूँ 177 ग्राम का आपको इसका वेट देखने को मिल जाता है। दोनों ही 4G वेरियंट में अवेलेबल फ़ोन है। अगर मैं बैक साइड की बात करूं, दोनों के ही जो बैक हैं दोस्तों, दोनों ही पॉलीकार्बन का प्लास्टिक बैक कवर है, साथ में आपको ग्लास फॉन्ट मतलब कि एक तरीके से फिनिशिंग आपको जो दी गई है वो आपको ग्लास की फिनिशिंग देखने को दी गई है। तो ये थी मोबाइल की कंप्लीट डिटेलिंग। तो अब मैं फटाफट से फ़ोन को कर लेता हूँ बूट और देखते हैं दोनों में ही कितना टाइम लगता है। तो फ़ोन कर लिया यहाँ पे मैंने बूट, तो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Realme थोड़ा सा आगे निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे Realme ने सबसे पहले रिस्पांस दिया है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को कर लिया प्रॉपर सेट, तो उसी तरीके से मैं Samsung को भी कर लेता हूँ सेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं Realme पूरी तरीके से ऑन हो चुका है और Samsung अभी भी स्टार्ट ले रहा है। तो जहाँ तक कि अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोसेसर Realme का थोड़ा सा फास्ट है। डिस्प्ले दोनों में ही आपको, अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, दोनों में ही डिस्प्ले आपको जो देखने को मिल रहा है 6.44 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो की बात करूँ तो जो सैमसंग में एस्पेक्ट रेशियो है 83.3 का एस्पेक्ट रेशियो है, वहीं Realme की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 83.9 का एस्पेक्ट रेशियो है। तो ये एक माइनर सा फ़र्क है, लेकिन दोस्तों फिर भी इस चीज़ में Realme काफ़ी ज़्यादा आगे है। अगर मैं डिस्प्ले की अगर मैं पिक्सल डेंसिटी की बात करूँ तो सैमसंग में दोनों में ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, लेकिन अगर मैं पिक्सल डेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे Realme में मुझे मिलती है 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, वहीं सैमसंग में आपको 200 मिल रही है 800 निट्स की आपको पीक डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे Realme आगे निकल गया है। फटाफट से चलते हैं कैमरे की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि पिक्चर क्वालिटी किसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सैमसंग के कैमरे को। तो कैमरे में अगर मैं बात करूँ कलर की, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर क्लिक करी है। उसी तरीके मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ Realme का कैमरा, तो Realme से भी मैंने एक पिक्चर क्लिक कर ली है। और दोनों ही अगर मैं बात करूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सैमसंग है, सैमसंग में जो कलर है एक नेचुरल कलर देखने को लग रहा है। उसी तरीके उसी जगह अगर मैं बात करूं Realme पे, तो Realme पे कलर थोड़े से ज़्यादा इन्हेंस हो के आ रहे हैं, जो कि इसकी ओरिजिनलिटी को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। तो दोस्तों मैं इसके साथ में आपको कुछ पिक्चर सैंपल भी शेयर करूंगा, जो कि इसके फ्रंट और बैक कैमरे से, तो आप मुझे बताइएगा। तो इसके पहले मैं बात करता हूँ इसमें और भी क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सैमसंग में आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, और अगर यहाँ पे अगर मैं मोर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे AR डूडल,
प्रो, पैरानोमा, फूड, नाइट, माइक्रो और स्लो मोशन और हाइपरलैप्स का ऑप्शन आता है। वहीं अगर मैं बात करूं रियलमी पे, तो रियलमी पे यहां पे आपको नाइट का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ मोर पे, तो मोर पे यहाँ पे आपको स्टेरियो मोड, डुअल वीडियो का मोड देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग में नहीं है। स्लो मोशन का आपको एक अलग से मोड देखने को मिल जाता है, वीडियो एक्सपर्ट, पैनोरमा और टेक्स्ट स्कैनर। दोस्तों ये एक यूनिक फीचर है और डुअल वीडियो मोड आपको, ये दोनों ही एक यूनिक फीचर है जो कि सैमसंग में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलमी ने काफ़ी ज़्यादा आगे अपनी बढ़त बनाई हुई है और अल्ट्रा मैक्रो का आपको यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थी कैमरा स्पेसिफिकेशन। तो फटाफट से चलते हैं अबाउट सेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ दोनों का ही अबाउट सेक्शन। तो ये मैंने ओपन किया दोनों का अबाउट सेक्शन। तो ठीक है, स्पीड दोनों की ठीक ठाक लग रही है मुझे। यहाँ पे गैलेक्सी M32 देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रियलमी 8 देखने को मिल जाता है। फटाफट से चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जो सैमसंग बेस्ड है 3.1 UI पे बेस्ड है, वहीं रियलमी वर्जन 2.0 पे बेस्ड है। एंड्रॉइड वर्जन की अगर मैं बात करूँ, दोनों में ही आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों में एंड्रॉइड वर्जन 11 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और 90 हर्ट्ज़ की दोनों की ही डिस्प्ले है। सैमसंग मुझे देता है यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलती है 5000 mAh की बैटरी। तो ये एक अच्छा खासा गैप माना जाता है कि अगर 5000 mAh और 6000 mAh की बैटरी में, तो यहाँ पे सैमसंग ने रियलमी को पीछे छोड़ दिया है। तो ये थी बैटरी की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। दोस्तों बात करूं अगर प्रोसेसर की, यहाँ पे अगर मैं सैमसंग की बात करूं, यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो G80 12nm का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसी जगह अगर मैं रियलमी की बात करूं, रियलमी में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G95 12nm का देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रियलमी में जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। उसी जगह अगर मैं बात करूं, दोनों में ही ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। मैं बात करूं रियलमी की, तो रियलमी में आपको देखने को जो मिल रहा है माली G76 MC4 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। उसी जगह अगर मैं बात करूं सैमसंग की, तो सैमसंग में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है माली G52 MC2 देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो सैमसंग ने यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो गया है प्रोसेसर के मामले में। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एक वीडियो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो फटाफट से मैं दिखाता हूँ आपकी इसको वीडियो क्वालिटी आपकी, मतलब आपको कैसी लगी। तो आप यहाँ पे जज कर पाएंगे कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले अगर मैं रियलमी की बात करूँ, तो ये आप रियलमी पे देख सकते हैं। वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये है रियलमी की रियलमी की वीडियो आप देख पा रहे हैं। उसी जगह मैं यहाँ पे इसको करता हूँ म्यूट और मैं इसको करता हूँ पॉज और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सैमसंग की। तो सैमसंग में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है। वॉल्यूम को कर देता हूँ फुल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वालिटी दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं दोस्तों, अगर मैं कलर की बात करूँ, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो लगभग लगभग दोनों में ही आपको डिस्प्ले जो देखने को मिल रही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो रियलमी काफ़ी ज़्यादा कलर इन्हेंस करके आ रहा है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, जो कि एक ओरिजिनलिटी है। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे रियलमी की डिस्प्ले थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी है, क्योंकि दोनों की जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है दोनों की पीक पे है। तो ये थी वीडियो की क्वालिटी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें किसका वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा।
जी कहानी यही सैमसंग और रियलमी के फोन्स की। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मोबाइल में कौन सा फीचर अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।